अभी आपने वो सब चारों डॉक्यूमेंट देख लिए हैं क्या, जो मैंने 21 लक्ष्य भेजे हैं, क्राइम फ्री भारत की जो शपथकृत सदस्यों की शपथ है उसका भेजा है, देन 21 बाह्य दिशाएं विधाएं भेजी हैं कि किस किन किन विधाओं में लोगों को जोड़ना है, और उसके ढेर सारे लेवल हैं, राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट के नीचे जो है डिवीजन लेवल, डिवीजन के नीचे जिला लेवल, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल, थाना लेवल, टाउन लेवल और विलेज लेवल, इतने लेवल हैं। और हर लेवल पे अपन को जो है एक पूरी वो करना है, मतलब हर लेवल पे एक प्रेसिडेंट हो सकता है, 5 वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और 21 लोगों की कार्यकारिणी हो सकती है, सभी 21 विधाओं में। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको थोड़ा सा, देखिए गुना और अशोकनगर में मुझे सभी लोग तो जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है? और मेरे ख्याल से शायद मुझे पसंद भी करते हैं, यदि मेरा मेरी गलत फहमी नहीं है तो। नहीं, ये मेरी गलत हाँ, नाम तो खैर मैंने भी सुना था, लेकिन अब ज्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं है। है? अच्छा, आपको जानकारी क्यों नहीं है? आपका तो जो है, आप तो उस समय सेवा में रहे होंगे उस समय। नहीं तो बस उस आपका नाम जरूर मैंने सुन रखा था कि हाँ, कोई गुप्त जी हैं जो गुना के एसपी हैं। अब और ज्यादा टच में तो मैं नहीं हूँ लोगों के। वो जरूर मैंने सुन रखा था। अब जो आपसे टच में रहे होंगे वो लोग तो सब आपको खैर जानते ही होंगे, क्योंकि अब आपकी पोस्ट ऐसी थी कि बहुत से लोग आपसे टच में निश्चित रहे होंगे उस समय के। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जोर से। तो मैं ये चाह हाँ रहा था कि अब आप जो है शिक्षा जगत के लोगों को जोड़ने में एक विशेष भूमिका निभाएं, जी और शिक्षा जगत के लोगों को चिट्ठी लिख के डीजी साहब जो है बच्चों को जो है ना मोटिवेशनल टॉक देंगे, ऐसा जी ऐसा टॉक अरेंज कराइए। तो जी उससे क्या रहेगा कि हम बच्चों को जोड़ पाएंगे, और बच्चों को जोड़ेंगे तो उनके माँ बाप भी जुड़ जाएंगे, है कि हाँ नहीं? क्योंकि यदि हम कोई रणनीति पे नहीं चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ वो तो खैर सही बात है साहब। अब लेकिन वो चक्कर यही रहता है ना कि साहब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने मतलब अपनी अपनी पार्टी में लोग मगन रहते हैं कि वो ज्यादा कुछ सुनना ही नहीं नहीं चाहते। नहीं 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 यदि हम उनको सही तरीके से समझाएं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि आज की अव्यवस्था में सभी लोग दुखी हैं, है कि नहीं? है, हाँ नहीं ये तो खैर सही बात है। आज की अव्यवस्था में हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, और ये दुष्ट व्यवस्था तो अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है ना रहम नहीं कर रही है, उनके ऊपर भी चड्डी गांठ रही है, और वो भी दुखी है। हाँ, वो होता क्या है साहब कि असल में सबके क्षेत्र से बटे हुए रहते हैं, तो जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की अंधभक्ति है ना, तो वो लोग ज्यादा मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, यदि देखो मैं आपको बताऊं, चूंकि कष्ट झेल रहे हैं, उस कष्ट का सिर्फ एहसास दिलाना है। आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कष्ट नहीं झेल रहा है। हाँ ये तो सही बात है। तो जब सभी लोग कष्ट झेल रहे हैं तो सिर्फ कष्टों को याद दिलाना है। और उनसे अपन ये भी कहो कि जिस सरकार के भरोसे अपन हैं, वो सरकारों के कारनामे जब मालूम करो तो पता चलता है कि वो अपने साथ क्या कर रही हैं। लेकिन वो सब अब सबसे उनका बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। अब ये वो तो साहब सबसे, समझने वाले तो समझते हैं इस चीज को, समझने नहीं नहीं वाले सब देखिए, समझते हैं, लेकिन सबको समझ में नहीं आती ये बात है। ये टीचर की जिम्मेवारी होती है कि सरल शब्दों में बात लोगों तक पहुंचाए, और जी एक आप अच्छे टीचर हैं तो ये आप लोगों तक बात पहुंचा पाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि बड़ा सिंपल काम करिए, आप वहां पर संगोष्ठी टाइप की ऑर्गेनाइज करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम जुड़ जाएंगे, धीरे जी धीरे हम वहां पर सीधे भी पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ तो
उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अब जो लोग इन जानकारियों के प्रति थोड़े जो गंभीर होते हैं वो तो इन चीजों को ध्यान से देखते हैं, नहीं देखो और देखिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उसको फेसबुक वगैरह पे भेज रहे हैं, लोग बाग जुड़ जा रहे हैं, जी लेकिन आपकी उनसे 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है। तो हाँ 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाँ नहीं वो तो खैर सही है आपका कहना। क्योंकि यदि 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा तो हम 1:10 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे ले जा पाएंगे। जो जी जुड़ गए हैं कम से कम वो आगे 10 को जोड़े। अब हाँ आप ये सोचो कि 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, क्या ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? अब वो तो समझने वाले सब समझ रहे हैं साहब, और नहीं 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 समझने नहीं वाले नहीं कुछ नहीं नहीं क्यों समझ ना रहे। समझने वाले क्यों नहीं समझ रहे? जब आप उनको ये बताएंगे कि वही सब नियम कानून है जो अंग्रेजों ने बनाए थे, उनके सन बता अब दिए ये उन्होंने। जो बड़े 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 जो घोटाले सामने आ रहे हैं, सामान्य लोगों को इनकी जानकारी नहीं है कुछ। उनको छोड़ो, आप तो जो जिसके वो जूझ रहे हैं उसकी बात करो। आप जी जैसे मान लो टैक्सेशन खत्म हो जाएगा उसकी बात हाँ करो ना, हाँ उनको क्या फायदा होने हाँ वाला है? वो अमीर हो जाएंगे, उन्हें उससे लेना देना होना चाहिए ना। हाँ हम लोगों को जो है जोड़े और लोगों को जो है ना वो करें। तो अब आप एक काम करिए, जहां जी कहीं भी आप जा रहे हैं, एक लेटर हेड की हम एक कॉपी दे देंगे, तो उसको प्रिंट आउट करा जी लीजिए, ठीक है ना? और उनके पास जाके फॉर्मल रिक्वेस्ट करिए कि हम जो है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीजी साहब की वार्तालाप स्टाफ से और बच्चों से अरेंज कराना चाहते हैं, ठीक जी है ना? तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा, जी है कि नहीं? तो अब वो तो ऐसा भी है ना साहब, आपके अगर वो वीडियो भी देख लेना तो बहुत नहीं कुछ तो जानकारी उसी से मिल सकती है। देखो, जानकारी का सवाल नहीं है, लोगों को जी जगा के जोड़ के क्रम बनाना है, और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, राइट? हाँ दूसरे और जी थर्ड पे आ जाएगा, तो आज कौन बनाएगा? आज शिवराज सिंह जी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनने देंगे क्या? जब नहीं तक उनकी चलेगी तब तक तो नहीं बनने देंगे वो, है? नहीं जब ना चले तो बात अलग है। बात कोई मानते हो कि नहीं? कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता साहब। नहीं, मेरा ये कहना है कि कुर्सी पकड़ के आप कर क्या रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं? आप पटिए पे बैठते थे, आप 1 लाख करोड़ के मालिक हो गए हैं, किसी दूसरे का भला हुआ हो तो बता दीजिए मुझे। और सही जो बात है है। जिन बच्चों को आप जो है सम्मान राशि और वजीफा दे रहे हो, उनको सुरक्षा दे दो, उनके रेप ना हो, उनके बलात्कार ना हो, और उनको समृद्धि मिल जाए। बात समझ रहे हैं ना आप? आप हाँ समृद्धि सही को, बात आप है। अब ये सभी बात हजार है, रुपए मांगिए ये सभी बात है आपके वीडियोज में सब है तो सही, लेकिन लोग तो ध्यान नहीं, तो लेकिन देना उन पे। नहीं, ये नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, यदि आपने टेक्निकल भाषा में एक बात सुनी है तो कहते हैं स्पैम। स्पैम का नाम सुना है? जी हाँ, स्पैम जी स्पैम का मतलब होता है कि बकवास चीजों को इतना ओवरडोज में डाल दो कि लोगों को जी जी अच्छा और बुरे का भेद करने का मौका ही ना मिले। तो हाँ, वो कहा जाता है ना कि किसी एक बात को अगर 100 बार 1000 बार नहीं, झूठ बोलो वो तो तो वो बात झूठ और सच सच सच। वाली बात हो गई। स्पैम का दूसरा तरीका होता है कि जी पॉपुलेशन में इतनी फालतू की चीजें भर दो कि लोगों को अच्छा और बुरे का डिफरेंस करने का मौका ही ना मिले। अभी चारों तरफ हाँ से वही स्पैम जो है, चारों तरफ से वो किए जा रहे हैं। जी जी बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ तो ये प्रॉब्लम स्पैम की है, और इन लोगों ने ये स्पैम क्रिएट करने के लिए आईटी सेल खोल के रखे हैं, जो हजार हजार आईडी से रोज स्पैम जनरेट कर रहे हैं, रोज फर्जी चीजें डिसेमिनेट कर रहे हो। जो आप कह रहे हो वही कर रहे हैं वो। उसमें वो क्या कर रहे हैं जी जी कि साहब जो है, हम जो है उसको वो कर लेंगे। क्या करेंगे कि इतना जो है ना हम फालतू की चीजें डाल देंगे कि आप उसमें से अच्छी चीजें छिप जाएंगी। आपका हाँ वीडियो जहां पहुंच रहा है, आज उसके पास हजार और वीडियो पहुंच रहे हैं, तो वो जी अंधभक्ति वाले जिसको जानता है उसका। तो इसलिए इसमें आपको 1-to-1 बात करना है। हम ये देख रहे हैं हाँ कि आपकी रीच है,
लेकिन आप वन टू वन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, आई मे बी रॉन्ग। नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब इस एरिया में तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो तो दूर दूर के कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो उसको गंभीरता से यदि समझते हैं तो वो लोग जरा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो दूर दूर के लोग तो कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी चीज है। नहीं लेकिन हम जो है, एक मिनट, संगोष्ठियां करेंगे और मैथिली शरण गुप्त यदि कॉलेज स्कूल में सीधे बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त को आपके गुना जिले में सीधे जानने वालों की कमी नहीं है। हाँ नहीं ये तो खैर सही है, अब जानने वाले जानते हैं आपको, ऐसा हाँ, थोड़ी है। हाँ नहीं, और वो एक डिफरेंट पीरियड के रूप में जानते हैं, वो एक कोई साधारण पीरियड नहीं था। हाँ हाँ जिसमें जो है ना नेताओं की नहीं चलती थी। हाँ 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 सुना था मैंने, ऐसा भी सुना था कि मतलब आपकी सेवाएं अच्छी रही हैं। नहीं अच्छी नहीं रही हैं, इन दुष्ट राजनेताओं को कभी मुझको सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई है। हाँ हाँ वो ही मतलब है ना मेरा, वो ही मतलब है। तो मेरा कहना है कि हमें थोड़ा सा अब जो है, मैं चाहूंगा कि आप चिट्ठी पत्री लिख के कॉलेज और लोग वहाँ जाना उनसे बात करो, और आप तो मेरी वहाँ पे संगोष्ठियाँ अरेंज कराओ। जी जी ठीक है ना, उनसे जी समय जी लेके मुझे बता दिया कि इतने बजे है, और फिर हम वहाँ पे जो है वीडियो कॉल से जुड़ के पूरे बड़े स्क्रीन पे जो है ना आएगा, और उनकी जो है एक दो वीडियो जो आप सिलेक्ट करिए उनको पहले वो दिखाइए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर देने के लिए मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ क्योंकि यदि मैं पूरी बात समझाऊंगा तो रिपीटेशन बहुत हो जाएगा और तब तक लोग थक जाएंगे, तो वो नहीं चीज़ें। वो तो सही बात है, वो तो सही बात है, खैर अब एक ही बात को रिपीट कहाँ तक करो, सही बात है ये तो। नहीं 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 मेरा ये कहने का मतलब है वो वीडियो चला के वो देख लिया रिपीट वाला, और फिर जो लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम हैंडल करें। जी जी बात समझ रहे हो ना। हाँ हाँ यदि क्वेश्चन आंसर को हम हैंडल करेंगे तो मोनाटोन नहीं रहेगी और हम बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे। जी जी बात समझ रहे हैं ना। जी जी तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे एक प्रयास कर लीजिए, और जी जी क्योंकि टीचर्स और उन सब का वो है, लिहाजा टीचर्स की जो विंग बनाना है गुना जिले की उस पे जरा होमवर्क करिए आप। जी उन जी उन टीचर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, और फिर उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से एड्रेस करेंगे और उनको जोड़ेंगे, क्योंकि देखो बदले में बहुत कुछ मिल रहा है। देखो इस पूरे ऑपरेशन में नंबर वन ताज किसी दूसरे के सिर पे नहीं जा रहा है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जी जी तो बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं कि आप हमको वोट दो, मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ो, और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा ऐसे 230 लोगों को विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, राइट। वो कह रहे हैं कि जो है इनमें से जो जोड़ते जोड़ते जो नंबर वन पे पहुंचेगा उसे उसे जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। आज अभी आज आपको कौन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है बताइए, कोई बनाएगा क्या। हाँ वो यदि आपकी स्कीम किसी की समझ में आ जाए तब उनके दिमाग में बैठ सकती है ये बात। नहीं तो ये बात हम अपने शब्दों में समझाएंगे तो लोगों को समझ में आने लगेगी। हाँ हाँ नहीं समझ आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे हो, जी जी और उनको अपने लोगों को जोड़ना है, तो उनके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या। नहीं नहीं है? तो जब उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो बिना 5 पैसे खर्च किए यदि हम उनको ताज दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो ये तो लाभ का सौदा है, क्यों नहीं है, सही बात। और ये बोझ किसके ऊपर है कि 21 लक्ष जमीन पर उतरेंगे, ये बोझ क्या मुख्यमंत्री के ऊपर है क्या। नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर है कि नहीं। जी जी तो आपको बिना बोझ के ताज भी मिल रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए सब काम करेगा। हाँ हाँ और क्या। हाँ तो इसको जो है आप जरा ऑर्गेनाइज करना चालू करो, जी चिट्ठी लिखिए कि साहब जो है गुप्ता साहब का वो आया था, उन्होंने कहा है कि
आप कॉलेज और उसमें जाके जो है चर्चा करो, और आप जी। बताइए कब कब उनका टॉक रखा जाए, तो बीच कभी जरूरत होगी तो जो है वहां पर जो है भौतिक रूप से भी पहुंचेंगे, लेकिन हाँ कुछ दिन हाँ पहले मुझे लग रहा है कि हम संगोष्ठी के माध्यम से चालू करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चालू करें, और वो जी लोग सब लोग हॉल में रहेंगे, आप भी रहेंगे वहां पर जो है जी ना, एकाध दो वीडियो पहले चला लिए जाएं, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए मैं हाजिर हूंगा। तो जी जी उससे क्या रहेगा कि लोगों के दिल में जितने भी जब क्वेश्चन आएंगे उनका वो हाँ जवाब मेरे मुंह से सुन पाएंगे। तो जी जी मेरे मुंह से जवाब सुनने का कुछ एक अलग मेरे ख्याल से महत्व होगा, जी होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, जी जी तो आप ये कर पाएंगे आयोजित क्या? मैं प्रयास करूंगा सर। हाँ बिल्कुल, प्रयास करिए, और आपको फायदा उसमें ये मिलेगा कि आपके अधिकांश लोग मुझे जानेंगे, तो जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करिए उनसे, फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है कि साहब जो है जी ना मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है आपसे कांटेक्ट करने की, और लगे तो मेरी बात करा दीजिएगा, और आप समय दे दिए तो उस समय जो है डीजी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी स्टाफ को जो है चर्चा करना चाहेंगे, जी जी ठीक है ना? और जी उसका मॉड्यूल ये रखेंगे कि आप पहले जो वीडियोस आपने, और क्योंकि आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उन वीडियोस को आइडेंटिफाई करके पहले उनको दिखाइए, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो हम हैंडल करेंगे, ठीक जी है ना? जी तो इसका थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए, मुझे लग रहा है, करूंगा सर, प्रयास करूंगा मैं। क्योंकि देखो कहते हैं कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, राइट? हाँ, नहीं सही है वो तो, खेलते हैं। और आप अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हो, हाँ और इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल में जो है गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, इन्हें लज्जा नहीं आई कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने घोषित पॉलिसी के तहत गुलाम भारतीयों के लिए बनाया था कि गुलामों को उत्पीड़ित करना है, अपमानित करना है, इनमें हीन भावना पैदा करना है, और इनको प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देना है, वही नियम जी कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, यस और नो? हाँ नहीं सही है वो तो। तो अब उसमें थोड़ा सा प्रयास करिए, चूंकि आप वहां पर हैं, क्योंकि जी हम शिक्षकों की और विद्यार्थियों की एक पूरी हायरार्की बनाना चाहते हैं। ये दो विधाएं जी हैं, नंबर वन एंड टू, युवा और विद्यार्थियों को जोड़ो, नंबर टू में शिक्षकों को जोड़ो। जी तो राइट फ्रॉम जो है डिस्ट्रिक्ट से लेके हमें जो है गांव तक पहुंचना है, गांव के स्कूल तक पहुंचना है, जी ठीक है ना? और हाँ यही व्यवस्था यदि आप दूसरे कॉलेज में, वहां पे दूसरे जिलों में भी यदि अपने परिचितों को बताएं और वो इसी तर्ज पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे हम जी इसको दूसरे जिलों में भी फैला देंगे, है ना? हाँ हाँ तो चलिए जरा एकदम 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 इसमें जरा थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, इससे बड़ा कोई जी देश सेवा और देश हित नहीं हो सकता है। ठीक करूंगा सर, प्रयास करूंगा मैं। है, चलिए, जय और हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जी वंदे मातरम। सभी को मेरी तरफ जी से प्रणाम कहिएगा, जो जी जी लोग मुझे जानते हैं वो जरूर जो है समझ पाएंगे, लेकिन आप अभी मैंने सभी वो अभी आपके दो चार वीडियो मैंने अशोकनगर के एसपी साहब को भी भेजे थे। अब को पता नहीं, अब वो तो बिजी रहते हैं, क्या पता उन्होंने देखे हाँ होंगे कि नहीं नहीं देखे नहीं होंगे, बिजी लेकिन बिजी मैंने भेज देखो, चुका भेजने से हूँ काम, मैं। भेजने से काम नहीं चलता है, आप जाइए उनसे मिल के आइए कि साहब डीजी साहब ने जी भेजा है, लो बात करो डीजी साहब से, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, तो फिर जी उसका अलग असर मिलेगा, अपन उसमें सिपाही सब इंस्पेक्टर थाने में चले जाइए, लीजिए साहब डीजी साहब से बात करिए, राइट? जी जी होमगार्ड का जो है, मैं डीजी रहा हूँ, होमगार्ड में चले जाइए, ठीक जी जी है ना? तो पूरे होमगार्ड की जी जमात है जो हमारे अधीन रही है, वो सब लोग जो है ना खुश होंगे जुड़ के, हाँ है कि नहीं? जी और सबसे बड़ी बात है कि आप उनको परिवर्तित तो भारत दे रहे हो, ताज भी उनके सिर पे दे रहे हो, आज कौन पार्षद का तो टिकट देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, हाँ? होता जी है, लेकिन हाँ सही बात है, वो तो सब जगह वो ये देखते हैं कि कौन पानी काम का है। पे ध्यान दो।
जी आप क्या कह रहे हैं? वही है ना, पार्षद का हो या कोई भी हो, सब ये देखते हैं कि कौन हमारे काम में आएगा, उसी हिसाब से वो देते हैं। हाँ अकेला काम नहीं, देखते हैं कि धन हाँ कौन देगा, देखते हाँ वही हैं मतलब कि कौन अपराधी है, कौन वो बाहुबली है, कौन है। जो है ना वोट हाँ लेके आ सकता है। इनकी खुद की तो औकात है नहीं, दूसरों की औकात हाँ को यूज करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब आप ये बताइए, किनको टिकट देते हैं? वही जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इनका दबदबा है, उनके दबदबे को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, जिनका क्योंकि वो बड़ा जूता सोचते हैं चल, ना कि भाई जिनका इनसे ही हमारा काम चलेगा। लेकिन लेकिन यदि आप उन गरीब लोगों के पास पहुंच जाओगे और जो इन इस प्रक्रिया के तहत जो जुड़ेंगे, तो पूरा कल्याण वाली स्थिति नहीं होगी? जी जी हाँ या सही नहीं? है। हाँ, हाँ, सही बात है, और क्या। एकदम एकदम आनंद ही आनंद आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों नहीं। हाँ, तो पूरी एनर्जी के साथ भर जाइए। मुझे जी लगता है कि अब बदलाव का समय आ गया है, लेकिन यदि हम खुद जो है, यदि थोड़े थोड़े शांत से रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, जी हाँ, तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगी। सही बात है सर। चलिए, तो मैंने मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो कुछ काम बनेगा, कुछ आपको दिशा मिलेगा। तो जी अपन ने 3 निर्णय लिए हैं। एक तो सभी जी लोगों, टीचर्स और इनका जो है, हमें वो बनाना है। क्या बनाना है? टीम बनाना है, तो जिले लेवल पे, जी उस लेवल पे, तो जो वो लोग हैं, किसी को प्रेसिडेंट घोषित करो, जरूरी नहीं है कि अभी वो सेवा में ही हो, रिटायर्ड भी है जी तो भी उसको अपन यूज करें। सेवा में है क्योंकि किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं है, तो सेवा में रहते हुए भी लोगों को जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस जी तरीके से ही डिजाइन किया गया है जिससे किसी को कोई जो है, देखो इसमें ना तो कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन हो रहा है, हो रहा है तो जी जी हम बड़ी आसानी से लोगों को जो है जोड़ भी पाएंगे, और ये कब जो है हिट हो जाए कब मालूम नहीं पड़ेगा। ये बस केवल अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग कोई सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है, ये सोशल मीडिया का इशू नहीं है, ये जी एनर्जी का इशू है। तो एनर्जी आप तब हाँ तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जब तक आप वन टू वन बात नहीं करेंगे। तो सही है सर। फेसबुक पे कोई जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो आगे 10 लोगों को जोड़ने के लिए उसके पास वो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हुई ना, हाँ तो वो एनर्जी ट्रांसफर करो ना, शपथ ट्रांसफर करो, जो उसका शपथ पत्र है उस पर हस्ताक्षर करे, अपना वीडियो बनाए शपथ लेते हुए और उसे अपलोड करे, जी तो वो एनर्जी आ जाएगी। हाँ, और किसी के जेब सही से है सर। पैसे तो खर्च नहीं हो रहे हैं, उल्टा यदि हाँ मेरिट लिस्ट में आ गया तो मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिल रहा है। तो बताइए, इस भाव में क्या बुरा है? सही बात है सर। इस भाव में बुरा है क्या? नहीं, वो तो सब अच्छा ही है। और आपको 21 लक्ष्य मिल रहे हैं, आपको टैक्स फ्री भारत मिल जा रहा है, आपको जी बिना थाने जाए जो है ना आपकी एफआईआर हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए ट्रायल हो जाएगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन में आपको जो है ना न्याय मिल जाएगा। डिजिटल चित्रगुप्त के कारण अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा, और फिर सभी जी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, तो लोगों की आस्था बढ़ेगी, तो जो रिएक्शनरी क्राइम है वो भी कम हो जाएगा। अभी हम और आप सभी बॉलकनों बने हुए हैं, तो अनरिलेटेड जो है ना ट्रिगर से भी हम फट जाते हैं, किसी को भी किसी पे गुस्सा आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जी बिना उचित कारण के गुस्सा आ जाता है, आ जाता है, और उसकी माँ बहन पे हाँ उतारू हो जाते हैं, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, हाँ होते हैं कि नहीं होते? हाँ हाँ सही है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें एनर्जी का लेवल बढ़ाया जाए, सफलता हमारे हाथ में है, जी। इसमें झुकना नहीं है, लगे रहना है। ठीक है ना? राइट, जी ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।